विमला की बहू खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही कामकाजी थी। वो हर काम को बहुत जल्दी कर लेती थी। घर में सब उसको बहुत प्यार करते थे। इमली का एक जेठ था जिसका नाम जिंटू था। वो इमली को बहुत प्यार करता था और उसकी हर एक बात मानता था। विमला जिंटू की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी ट्विंकल से करा देती है। ट्विंकल बहुत ही शातिर और चालाक लड़की थी। उसका घर के एक भी काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। ट्विंकल बहुत ही आलसी लड़की थी। वो अपना हर काम इमली से कराती थी। एक दिन इमली ट्विंकल से कहती है, ट्विंकल तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करती, तुम बहुत ही आलसी हो। ये सुनकर ट्विंकल गुस्सा हो जाती है और इमली से कहती है, मुझे ये सब घर का काम करना पसंद नहीं है, मैं थक जाती हूँ। फिर एक दिन इमली भी ट्विंकल की तरह घर का एक भी काम नहीं करती है, वो भी सारा दिन आराम करती है। एक दिन विमला इमली से कहती है, तुम और ट्विंकल घर का सारा काम कर देना और कपड़े भी धो देना। तभी इमली कपड़े धोने का काम ट्विंकल से कहती है। तब ट्विंकल इमली से कहती है, सॉरी इमली, कपड़े तो तुम्हें धोने होंगे क्योंकि मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। ये सुनकर इमली और ट्विंकल झगड़ा करने लगते हैं। फिर ट्विंकल वहाँ से शॉपिंग के लिए चली जाती है। तभी जिंटू वहाँ पर आता है और इमली से पूछता है, क्या हुआ इमली जी, आप इतनी परेशान क्यों है? फिर इमली ट्विंकल की सारी बातें जिंटू को बता देती है। फिर ये सब बातें सुनकर जिंटू इमली से कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्विंकल से बात करूंगा। कुछ देर बाद ट्विंकल शॉपिंग से वापस आ जाती है। तभी जिंटू ट्विंकल से कहता है, ट्विंकल तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो और इमली जी से झगड़ा क्यों करती हो, अब से तुम घर का सारा काम करोगी। ये सब सुनकर ट्विंकल गुस्सा हो जाती है और इमली के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तभी उसे जिंटू दो थप्पड़ जोर से मारता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर ट्विंकल पर जिंटू की बातों का असर नहीं होता है। एक दिन इमली और ट्विंकल की किसी बात पे लड़ाई होती है और ट्विंकल इमली को धक्का दे देती है और ये सब जिंटू देख लेता है और वो ट्विंकल को जोर से दो थप्पड़ मारता है और ट्विंकल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इमली जी को धक्का देने की, निकल जाओ मेरे घर से। जिंटू की आवाज सुन के वीर और विमला वहाँ पे आ जाते हैं। ट्विंकल रोते हुए जिंटू से माफी मांगती है। ये सब देखकर विमला जिंटू से कहती है, जिंटू बेटा निकाल दो इस चुड़ैल को मेरे घर से, किसी काम की नहीं है ये लड़की। फिर जिंटू ट्विंकल का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो सब एक साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं।